नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। अग्निपथ योजना को लेकर युवा हर तरफ विरोध कर रहे हैं और अब बिहार के नवगछिया के एसपी ने साफ साफ ये कह दिया है कि एक एक को चुनकर वो जेल भेजेंगे। सभी युवा जो नवगछिया में विरोध कर रहे थे उनकी वीडियोग्राफी की जा चुकी है। एक एक को चिन्हित कर सभी को पहचान में लाने के बाद अब जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ नवगछिया एसपी ने यह भी कह दिया कि अब युवाओं को काफी महंगा पड़ने वाला है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने आगे यह भी कहा कि अभी तक युवा विरोध करके अपना दमखम दिखा रहे थे, ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिखाने की बारी अब पुलिस की है और अब युवाओं को यह बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि विरोध प्रदर्शन करना किसको कहते हैं। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। खासकर बिहार की बात करें तो बिहार में बीते 3 दिनों से बिहार के विभिन्न शहरों और जिलों में लगातार प्रदर्शन जारी है, हंगामा किया जा रहा है, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, सड़क मार्ग जाम कर आवागमन बाधित कर दिया गया है युवाओं के द्वारा, यहां तक कि जो रेल परिचालन है उसको पूरी तरीके से बाधित करने की कोशिश की गई है, रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ की जा रही है, कई जगह पर बीजेपी विधायकों के आवास पर भी तोड़फोड़ की जा रही है। इतना सब कुछ पूरे बिहार में चल रहा है। एक तरीके से बिहार में अभी सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। लगातार प्रशासन स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही है। बात हुई जब नवगछिया एसपी से तब उन्होंने स्थिति के बारे में बताया और साथ ही साथ युवाओं को चेता दिया है कि सबकी पहचान की जा चुकी है, वीडियोग्राफी हो चुकी है और अब इसी विजुअल्स के माध्यम से एक एक कर चुन चुन कर सभी को जेल भेजा जाएगा। अब युवाओं को यह विरोध प्रदर्शन काफी महंगा पड़ेगा। आज 3 जगह प्रदर्शन हुआ था। पहला तो नारायणपुर लोग, लड़के बच्चे आए थे, डिस्पर्स कर गए, फिर वहाँ से आ गया था एनएच पे, शांतिपूर्ण डिस्पर्स हो गया, फिर रंगराज चौक पे हुआ, वहाँ भी डिस्पर्स हो गया, टाउन था, टाउन में भी लोग किया था शांति, डिस्पर्स हो गया, यहाँ भी कुछ लड़के आए थे हरिक स्टेशन पे, वहाँ पर एसडीपीओ साहब और एसडीएम साहब गए थे, समझा बुझा के लोगों को वापस कर दिया गया था। वापस होने के बाद वो सारे लड़के यहाँ पर आ गए और यहाँ पर फिर वो एग्रेसिव हो गए और ईटा पथराव करना शुरू कर दिया। हमारे कई पुलिसकर्मी, हमारे एसडीपीओ, हमारे थाना प्रभारी, कई लोग जख्मी हो गए, हमारे एसडीएम साहब जख्मी हो गए ना, और बस काफ़ी लोग बस फुटेज है जिना भी की गई है, एक एक को चिन्हित करके जेल भेजेंगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा फायरिंग की? हाँ, फायरिंग किया गया और फायरिंग करना मजबूरी थी क्योंकि वो लोग काफ़ी नज़दीक तक आ गया था, बड़ा बड़ा ईटा पत्थर चला रहा था, उसे किसी पुलिसकर्मी की जान भी जा सकती थी, तो अपना जो सुरक्षा में अपना जान में रक्षा करने के लिए जवाबी कार्रवाई फायरिंग की गई थी। क्या कार्रवाई होगी इससे लड़कों को? हैं? कार्रवाई होगी लड़कों को? क्या? युवाओं के ऊपर जो इस तरह के प्रदर्शन? निश्चित रूप से, मैंने पहले कहा कि सबों का वीडियोग्राफी हुआ है, उनको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। अभी तो अपना वो दिख के चल गए, अब उनको हम लोग दिखावेंगे। बहुत सारे वाहन को जो है तोड़ दिया गया पुलिस के वाहन, आपने देखा ये डैमेज किया गया है, वो कीमत चुकानी पड़ेगी, जो भी किए लड़के कीमत चुकानी पड़ेगी, किसी को बख्शेंगे नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं नवगछिया एसपी इस पूरे क्रम में, इस मामले को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है और हम आपको सुनवाते हैं युवाओं को किस तरीके से उन्होंने चेताया है। छोड़ जाते हैं उनके पूरे बातों के साथ।